तो आइए अब हम पढ़ने जाते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस. क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैनेजमेंट एज अ साइंस. अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज एन आर्ट. अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस. क्या मैनेजमेंट साइंस है? बेटा मुझे नहीं पता, हमें तो चेक करना पड़ेगा. क्या हमें अगेन साइंस के फीचर्स चेक करने पड़ेंगे पहले? हाँ, कि साइंस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, फिर वो फीचर्स देखने पड़ेंगे. अगर वो मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है तो मैनेजमेंट भी साइंस है, बट अगर एप्लीकेबल नहीं है तो मैनेजमेंट भी साइंस नहीं है. अब बात समझ में आ रही है? तो हमें एक एक करके चेक करनी पड़ेंगी सारी की सारी बातें. क्लियर? आइए जरा पढ़ते हैं. सबसे पहले हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं कि साइंस क्या है, ठीक है ना. साइंस के अंदर सर कितने फीचर्स हैं? बेटे साइंस के अंदर भी तीन फीचर्स हैं, और अगर वो तीन फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगी? मैनेजमेंट भी साइंस हो जाएगी. क्लियर है? अब हमें चेक करना पड़ेगा, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि साइंस के वो तीन फीचर्स कौन कौन से हैं. आइए जरा पढ़ते हैं. पहला फीचर है फर्स्ट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. पहला क्या है फीचर, जल्दी से बताइए. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इस बात का क्या मतलब? बेटे इस बात का मतलब सेम, क्या यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, कुछ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज थ्योरी अवेलेबल है विच नीड टू बी एक्वायर्ड, जो हमें पढ़नी पड़ेगी. हाँ बेटा साइंस के अंदर तो प्रेजेंट है इतनी ज़्यादा थ्योरी, मैं कह रहा हूँ इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, जो हमें क्या करनी है, हमें पढ़नी है साइंस के अंदर, ठीक है ना. हमने इतने सारे लॉज पढ़े बचपन से, साइंस पढ़ते हुए आए हैं, टेंथ तक साइंस पढ़ी आप लोगों ने, समझ में आई बात? तो यानी इसके अंदर थ्योरी क्या है, अवेलेबल है, मान ली बात सर. उसके बाद सेकेंड फीचर बताइए. बेटा सेकेंड फीचर है इसके अंदर प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. तो यानी सेकेंड फीचर क्या है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. इन साइंस देर आर सम प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स अंडर कंट्रोल सिचुएशंस. सर इस बात का मतलब क्या है? बट इस बात का मतलब है कि साइंस के अंदर कुछ बहुत सारे प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं जिनको पता है कैसे डिराइव करा गया है. उनको डिराइव करा गया है बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स. सर हमें तो एडिसन याद है, एडिसन ने सर कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उसके बाद उन्होंने बल्ब इन्वेंट करा था. हाँ बेटा यही तो साइंस है. साइंस के अंदर क्या होता है, साइंस के अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है ना. और उन्हीं के बेसिस पर हम क्या देते हैं, प्रिंसिपल्स डिराइव करते हैं. तो जितने भी साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स अंडर द कंट्रोल सिचुएशन. अब बात समझ में आई? तो यानी मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स पे. मुझे बताइए पहला क्या था? पहला था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स पे. सर जल्दी से थर्ड फीचर बताइए. बेटा थर्ड फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी. क्या? यूनिवर्सल वैलिडिटी. क्या साइंस के अंदर जो ये प्रिंसिपल्स हैं दे आर यूनिवर्सली वैलिड? हाँ बेटा दे आर यूनिवर्सली वैलिड. दैट इज पता मैं क्या बोल सकता हूँ, बेटा आज मैं इंडिया में कहाँ पे हूँ जल्दी से बताओ, आज मैं इंडिया में, मैं इस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ, ये बॉल नीचे आ रही है. हाँ बेटा मुझे बताओ किसकी वजह से आ रही है? सर ग्रेविटी की वजह से. क्या ग्रेविटी साइंस का प्रिंसिपल है? हाँ बेटा किसका प्रिंसिपल है, साइंस का, ठीक है ना. बेटा आज मैं यूएसए में कहाँ पे हूँ, आज मैं यूएसए में, यहाँ भी मैं बॉल ऊपर फेंक रहा हूँ बट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है. यहाँ भी किसकी वजह जा रही है जरा बताना, ग्रेविटी की वजह से. बेटा अब मुझे ढंग से बताइए आप बात, क्या साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड है? हाँ बेटा मैं कह रहा हूँ कहीं भी चले जाओ साइंस के प्रिंसिपल क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं. इनकी वैलिडिटी क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वैलिडिटी, दैट इज इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर. ये सब जगह अप्लाई करोगे रिजल्ट हमेशा क्या आने हैं, सेम रिजल्ट्स आने हैं. आउटकम हमेशा क्या रहना है, सेम. मैंने यहाँ पे बॉल को ऊपर थ्रो करा, बॉल नीचे आई. इंडिया में ऊपर थ्रो करूँगा, नीचे आ रही है. मैं कह रहा हूँ रिजल्ट्स आउटकम जो आना है वो हमेशा सेम आना है साइंस के प्रिंसिपल्स में, ठीक है ना. तो मुझे जल्दी से बताइए साइंस के कितने प्रिंसिपल्स हैं? साइंस के तीन प्रिंसिपल्स हैं. पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, और तीसरा कौन सा था, यूनिवर्सल वैलिडिटी. अब हमें पता है क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है क्या ये प्रिंसिपल्स, ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल हैं या नहीं है. अगर मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल हुए तीनों प्रिंसिपल्स, तो मैनेजमेंट भी क्या बन जाएगी, साइंस बन जाएगी. और मैं कह रहा हूँ अगर एक की भी कमी रह गई, एक भी मैच नहीं करा, तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट साइंस नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा. आइए पढ़ते हैं. तो पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ बेटा अब हमें चेक करना है यह वाला फीचर क्या मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं. मुझे बताइए साइंस के अंदर तो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स थ्योरीज हैं जो हमें पढ़नी है. मैं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं विच नीड टू बी एक्वायर्ड. हाँ बेटा है यहाँ पे. मैं कह रहा हूँ अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आने जा रहा है कौन सा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे आप दो टाइप की थ्योरीज पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय हेनरी फ्यूल,
और आप पढ़ोगे साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर, और उसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टडीज हैं जो आपको पढ़नी है। यानी मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरीज अवेलेबल हैं विच नीड टू बी एक्वायर्ड, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बात समझ में। यानी पहला फीचर तो प्रेजेंट है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब मुझे सेकेंड फीचर की बात बताइए, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, एंड वॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के अंदर जो प्रिंसिपल्स थे वो कैसे डिराइव करे गए, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। बट अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट के अंदर भी जो प्रिंसिपल्स है ना, दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। सर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स, बेटा यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस को एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे। मैं कह रहा हूँ सारी की सारी बात आपको डिटेल में समझ में आएगी जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे जितने भी प्रिंसिपल ड्राइव करे गए हैं, दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन, हाँ बेटा वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ही हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ मैनेजमेंट के अंदर भी जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, हमने ऑब्जर्वेशंस करी। ऑब्जर्वेशन का मतलब एक वर्कर है, अब वर्कर कितनी देर काम कर रहा है, उसका एवरेज टाइम नोट करा, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला कि एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए। इस तरीके से हम टाइम स्टडी करते हैं, वर्क स्टडी, बहुत सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको डिटेल में सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे हम पता क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, वो ह्यूमंस पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? ह्यूमंस पे। और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम उनको नोटिस कर रहे हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन ही एक्सपेरिमेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी पता है क्या है, वो भी किस पे बेस्ड है, वो भी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस, यानी दोनों फीचर प्रेजेंट। हाँ बेटा दोनों फीचर प्रेजेंट है, दोनों फीचर। अब जरा लास्ट चेक कर लें, मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब मुझे ढंग से बताइए, अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी है, दे कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, ठीक है ना, विद द सेम आउटकम, आउटकम सेम रहेगा। बट अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, ठीक है ना, सब जगह अप्लाई किए सकते हैं, बट आउटकम मे डिफर, आउटकम सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों? अब मुझे आप ढंग से बताइए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई किस पे करे जा रहे हैं? ह्यूमंस पे, दीज आर अप्लाइड ऑन ह्यूमंस। एंड मुझे बताइए सबका नेचर क्या होता है अलग, ठीक है ना, ह्यूमन का नेचर सबका अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। देयरफॉर आउटकम में डिफर, मैंने एक प्रिंसिपल अप्लाई करा एक सर्टेन ह्यूमन पे और दूसरा अप्लाई करा दूसरे ह्यूमन पे, आउटकम जो आएगा आउटकम अलग अलग आएगा, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्टिव मैटर का मतलब लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, आउटकम में डिफर, सेम रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यानी सर जो लास्ट वाला प्रिंसिपल है यूनिवर्सल वैलिडिटी, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर अप्लाई नहीं होता? नहीं बेटा, वहां पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमने अप्लाई तो कर दिए बट आउटकम में डिफर। अब क्वेश्चन उठता है आउटकम क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि दीज आर अप्लाइड ऑन ह्यूमंस और ह्यूमंस का नेचर सेम नहीं होता, देयरफॉर आउटकम में डिफर। अब बात समझ में आ रही है आपको? यानी लास्ट वाले प्रिंसिपल ने जाके गड़बड़ कर दी, लास्ट वाले प्रिंसिपल प्रेजेंट नहीं है, सॉरी लास्ट वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है? जल्दी से बताइए, मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैनेजमेंट इज नॉट साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस, मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस नहीं है। दो फीचर तो प्रेजेंट है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस, प्योर साइंस नहीं, क्योंकि एक फीचर ने गड़बड़ कर दी। कौन सा फीचर था? यूनिवर्सल वैलिडिटी।